नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। आपका स्वागत करता हूं क्राइम फाइल्स के इस नए एपिसोड में। मूड कैसा है आपका? आज मैंने आपका मनपसंद दलिया बनाया है। दिल जीतना तो कोई तुमसे सीखे। बैठो ना, आज साथ में नाश्ता करते हैं दोनों। आज आपकी मेरा ग्रुप से मीटिंग है ना, आपको क्या लगता है प्रोजेक्ट आपकी कंपनी को मिल जाएगा? हाँ राधा, ये मीटिंग ना बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी को मिल गया ना तो देखना तुम, मेरी सैलरी डायरेक्ट डबल हो जाएगी, 50,000 से 1,00,000 रुपए। कितना अच्छा हो जाएगा ना। आप सैलरी बढ़ते ही कार ले लेना। आप बाइक से जाते हैं ना तो मुझे डर लगा रहता है। हाँ बाबा, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी कितनी फिक्र करती हो। क्या बोल रहे थे? तुम बैठो ना, अभी बैठो। खड़ी क्यों? किसका फोन आ रहा है सुबह सुबह? नहीं नहीं, एक क्लाइंट है बस। ये क्लाइंट लोग भी ना बहुत अजीब होते हैं। देखो ना, अभी ऑफिस आवर शुरू नहीं हुए और सुबह सुबह फोन करना शुरू कर दिया। हम ऑफिस के लिए निकलते हैं। हेलो, कितनी बार बोला है तुम्हें, जब मैं घर पर होता हूँ तो मुझे कॉल मत किया करो। अरे घर पर मेरी वाइफ होती है, उसे पता चल गया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा बाबा ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। देखो मैं आज नहीं मिल सकता हूँ, अरे मुझे ऑफिस में काम है। अब तुम इतना जिद कर रही हो तो आज शाम को मिल लेते हैं 4 बजे वही मैक कैफे पर, ठीक है? चल मिलते हैं। सी यू। राधा यहाँ क्यों खड़ी हो? और नाश्ता क्यों नहीं किया अभी तक तुमने? तुम अपनी हेल्थ देख रही हो? बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही खुद पर। चलो बैठो, अभी नाश्ता करो, नाश्ता करो। तुम हमें ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, हम ऑफिस निकलते हैं। और अपना ध्यान रखना, शाम को मिलते हैं, ठीक है? बाय। तुम इतना जिद कर रही हो तो आज शाम को मिल लेते हैं 4 बजे वही मैक कैफे पर, ठीक है? रिया, रिया कॉल करती हूँ। जा रहा है। अरे उठाते हैं मम्मी, तुम तो एकदम पीछे ही पड़ जाती हो। किसका फोन है? तुम्हारी भोली बेटी राधा का कॉल आया है। हेलो, कैसी हो दीदी? रिया, तू अभी घर आ सकती है क्या? क्या हुआ, आप इतना रो क्यों रही हो दीदी? सब ठीक तो है ना? बस तू जल्दी से घर आ जा। और सुन, माँ को कुछ मत बताना, मैं तुझे सब बताती हूँ। मुझे तेरी जरूरत है। अच्छा ठीक है, आप परेशान मत हो, मैं आती हूँ आपके पास, ठीक है? रो मत आप, मैं आती हूँ। धीरे धीरे क्या बात कर रही हो, राधा कैसी है? दीदी,
दीदी अच्छी है माँ, बोल रही थी कि कुछ दिनों के लिए वहाँ आ जाऊँ, उनको मेरी बहुत याद आ रही है। जा मिला अपनी बहन को, बहुत दिन हो गए। अच्छा सुन, मैंने उसके लिए ना अचार बनाया है, वो लेती हुई जाना। ठीक है माँ। दीदी आप चुप हो जाओ। दीदी आप कैसी बात कर रहे हो? तुषार जीजा जी, मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। आप बेकार ही शक कर रही हो। मैं गलत शक नहीं कर रही हूँ रिया। बहुत दिनों से देख रही हूँ ये सब। फोन आता है तो दूर जाके बात करते हैं। कई बार तो इनके कपड़ों से लेडीज परफ्यूम की स्मेल आई है। और तो और कई बार इनके कपड़ों से लड़की के बाल भी मिले। दीदी मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा। रुको मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। ये देखो, तुषार के कपड़ों से मिले ये बाल। सीरियसली दीदी, आपने ये बाल संभाल कर रखे हैं? आपको ना जासूस होना चाहिए था। हाँ सीरियस रिया, और तुम मजाक कर रही हो। आज तो शायद 4 बजे उसी लड़की से मिलने उस कैफे में जा रहे हैं। अच्छा ठीक है दीदी, आप परेशान मत हो, आज हम जीजू को रंगे हाथों पकड़ते हैं। ठीक है दीदी, आज सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। चलो चलते हैं। देखा, कहा था ना मैंने, इनका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। देख रही है ना तूने भी अपनी आंखों से। हाँ दीदी, आप सही बोल रही थी। हेलो बेबी। अरे दीदी, आप तो बेकार में ये सब सोच रही थी। ये देखो, ये तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई है। आप बिना दीदी, आपके शक के दिमाग की वजह से ये सब होता है। चलो अब घर चलते हैं, ठीक है? देखना, तेरे आते ही सब सही हो गया। तू एक काम करना, तू कुछ दिन यहीं रुक जा। ठीक है दीदी, मैं कुछ दिन यहाँ रुक जाती हूँ, फिर दोनों बहनें मिलके मस्ती करेंगे, ठीक है? हाँ, क्या बोलती हो? चलो अब। वैसे रिया, तुमने ना बहुत अच्छा किया जो तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ हमारे साथ रहने आ गई, है ना? तुम्हारे आने से देखो घर में कैसे चार चांद लग गए। वैसे नोएडा से पढ़ाई कर रही हो? हाँ, पहनावे से साफ दिख रहा है। वैसे ज्यादा मक्खन मत लगाइए जीजा जी, मैंने सुना है आजकल आप मेरी बहन को बिल्कुल समय नहीं देते। कहीं और कोई चक्कर तो नहीं चल रहा ना आपका? अरे ये क्या बात कर रही हो तुम? राधा क्या बोल रही है? मेरा कोई चक्कर उनका नहीं चल रहा। देखो अपनी बहन को कितनी भोली है, इतनी प्यारी बीवी है, तो बाहर चक्कर क्यों? हाँ तुम्हें लगता है क्या कि मेरा बाहर चक्कर वक्कर होगा किसी से? राधा ठीक कह रही हो, बताओ इसे। नहीं ये पैसे नहीं है। वैसे जीजू, अगर कहीं कुछ चल रहा हो या फिर आपको कोई और पसंद हो तो बता सकते हो आप, टाइम है अभी भी आपके पास। अरे तुम्हारी बहन की कसम, मैं तो पराई औरत की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखता। ये चक्कर वक्कर की बात कहां से आ गई? हाँ रिया, तुम यहाँ
से चक्कर चल रहा है जीजा जी आपका? आप मुझे सच सच बताइए। क्या बोल रही हो तुम? ये ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। अरे बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मेरी बीबी की छुट्टी का कसम खाई थी तुमने? अरे डार्लिंग, थोड़ा तो धीरे बोलो, तुम्हारी बहन उठ जाएगी नहीं तो। बेवकूफ है मेरी बहन, बेड पे लेटी घोड़े बेचकर सो जाती है। बेचारी को लग रहा था उसके पति का चक्कर कहीं और चल रहा है। दूसरे कमरे में चले? लेकिन मेरे पास एक और अलग प्लान है। कौन सा प्लान? बताता हूँ, एक मिनट। अब देखना तुम, इसके घोड़े के साथ साथ ना गधे भी बिक जाएंगे। अब नहीं उठने वाली है। रिया, अब तुम और मैं इसी बेड पर रोमांस करें? चीचा जी, हद करते हो आप, यहाँ इसी बेड पे? हाँ, कुछ नहीं होगा। प्यारी बहन, तुझे खुली आंखों से कुछ नहीं दिखता तो इन बंद आंखों से क्या देखेगी? बड़ी नादान है तुम्हारी बहन। जिससे मेरा अफेयर था उसी को मेरी जासूसी के लिए लगा दिया। बेचारी। अरे तुषार, आज आप जल्दी आ गए ऑफिस से? हाँ, वो ऑफिस में काम नहीं था तो सोचा क्यों ना जल्दी घर जाया जाए। बस इसलिए जल्दी आ गया कि तुम लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूंगा। फिर तो बड़े सही टाइम पर आए हैं आप। आप चेंज कर लीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। हाँ अच्छा राधा, मैं क्या सोच रहा था, आज हम लोग मूवी चले गया? चलो मैं जल्दी से चेंज कर लेता हूँ फिर, ठीक है? जी। ठीक है दीदी, फिर मैं अपने कपड़े आयन कर लेती हूँ। ठीक है। अरे आ गई तुम, सेब के साथ बहुत शरारत हो रही थी। अभी बताओ शरारत क्या होती है? अभी ये सब नहीं, पहले ये बताओ कि मेरा गिफ्ट कहाँ है, तुम्हें याद भी था या नहीं? हाँ बेबी, मुझे सब याद है, लेकर आयो ना तुम्हारा गिफ्ट। वैसे बहुत हॉट लग रही हो आज तो। और ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। कैसा है? बहुत अच्छा है। नहीं दो ना, ऐसे नहीं मिलेगा, इसके लिए तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। परेशान मत करो, अब दो। अच्छा बाबा, मैं अपने हाथ से पहना दूं? क्या कर रहे हो, जल्दी करो, दीदी आ जाएगी। दादा
देखो ना, तुम्हारी बहन ने ना मुझे बहुत तंग करके रखा हुआ है। अरे आओ और मेरी शर्ट में से इस हार को निकालो। देख क्या रही हो, कब तक ऐसे खड़े रहेंगे हम लोग? निकालो। क्या हो रहा है ये? अभी बताता हूँ। रिया ये हार दो मुझे। अरे दो ना। देखो रात कैसा हार है ये? हाँ अच्छा है ना? ये हार मैंने तुम्हारे लिए लिया है। और रिया को दिखाकर पूछा कि कैसा है तो जिद करने लगी कि जीजू ये हार मैं पहनूंगी, और इसने पहन भी लिया और उसके बाद मेरी शर्ट में फंसा दिया। बताओ कैसा हार है ये? बहुत खूबसूरत है। हाथ बढ़ाओ आगे। ये तुम्हारे लिए। हम तो कुछ और ही समझ रहे थे। आजकल मेरा दिमाग भी ना पता नहीं क्या क्या सोचने लगा है। अरे तुमने ये चाय भी गिरा दी। तुम भी ना। हम दूसरी बना कर लाते हैं। ठीक बना। रिया मेरी प्यारी बहन, तुम पोछा लगा दोगी? हाँ दीदी। राधा बहुत थकी हुई लग रही हो। हाँ बहुत थक गई हूँ और बहुत तेज नींद भी आ रही। राधा सुनो ना, आज थोड़ा सा रोमांस करते हैं। बोलो। नहीं आज नहीं। अरे राधा यार तुम्हारा तो ये रोज का ही हो गया। अरे सुनो तो मेरी बात राधा। अरे मत सुनो मेरी प्यारी बीवी, तुम मेरी कभी मत सुनो। हमेशा ऐसे ही सोती रहो और मैं तुम्हारी बहन के साथ हमेशा जगता रहूं। दीदी सो गई तुम्हारी। रहने दो, मेरा मन नहीं है। क्या हो रही है? तुम्हारी दीदी सो रही है ना? हाँ तो सोने दो ना उन्हें। और वैसे भी कल मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। घर वापस जा रही हूँ? ये भी तो तुम्हारा घर है ना? क्या हुआ बताओ मुझे, कुछ बात है? आपने वो हार दीदी को क्यों दे दिया? अरे वो तो सिचुएशन संभालने के लिए दिया था ना। तुम्हें पता तो है, फिर भी तुम ऐसे बोल रही हो। अब से ऐसा नहीं होगा। ऐसी तो आप मेरी हर चीज दीदी को ही दे दोगे। तो मैं वादा करता हूँ आगे से पक्का कभी ऐसे नहीं होगा। सब तुम्हारा होगा ठीक है? अच्छा मेरे प्यारे जीजा जी, काश आप मेरे पति होते। पति होते? पति तो अब भी हो सकते हैं, बस इसे रास्ते से हटाना है। तुम बोलो तो राजी हटा दें और उसके बाद दो जिस्म और एक जान हो जाएंगे हम।
दादा दादा उठो, कितना सोने दो ना प्लीज। अरे 9 बज गए हैं। क्या आप ऑफिस नहीं गए आज? अरे आज संडे, संडे को कौन ऑफिस जाता है। चलो अब तुम जल्दी से उठ जाओ, फिर साथ में नाश्ता करते हैं। नाश्ता मेरे उठे बिना कैसे बन गया इस घर में? तुम जल्दी उठो और फ्रेश होकर, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। आ जाओ। अरे रिया, ये तो मेरी साड़ी पहनी है तूने, ये कैसे मिली तुझे? वो दीदी क्या है ना, मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए थे तो मैंने आपकी अलमारी से ये साड़ी निकाल ली। कुछ गलत किया क्या मैंने? अरे नहीं नहीं, तूने कुछ गलत नहीं किया। वैसे भी जो मेरा है वो तेरा भी है। हाँ ये तो सही बोला आपने। वैसे आप आओ ना बैठो, मैंने खूब खाना बनाया है आज आप दोनों के लिए, आप बैठो। थैंक यू। बताओ कैसी बनी? क्या सब्जी बनाई है तुमने यार? या मजा ही आ गया। खाना खाओ तुषार, तारीफ बाद में करना। मेरा मतलब है तुषार जीजू। रिया मैं मंदिर जा रही हूँ, तुम चलोगी साथ? हाँ। वो दीदी पता नहीं तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, अचानक से सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा है, आप चली जाओ ना। ठीक है। काकी काकी। अरे काकी कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ राधा बेटी, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ काकी। वो सुजाता नहीं आई आज आपके साथ? अरे बेटी वो कैसे आती, वो तो अपने मायके चली गई। क्यों? सुजाता का पति उसे धोखा दे रहा था, उसके पड़ोसी से उसका चक्कर चल रहा था, बहुत बवाल हुआ। आदमी को किसी औरत के भरोसे कभी अकेले छोड़ना नहीं चाहिए। जिसने मर जात का भरोसा किया सबसे बेवकूफ औरत है वो। क्या सब्जी बनाई है तुमने यार? या मजा ही आ गया। खाना खाओ तुषार, तारीफ बाद में करना। काकी वो मुझे कुछ घर पे जरूरी काम याद आ गया, मैं जा रही हूँ। अरे राधा बेटी सुनो तो। चलो ना यार रिया। अरे क्या हुआ? अरे डर क्यों रही हो? अरे आज संडे है और तुम्हारी दीदी है ना बहुत दिनों बाद मंदिर गई है, कम से कम 2 घंटे बाद आएगी। यहाँ नहीं बाहर, दीदी आ गई तो रूम में चलते हैं। Thank you.
जब से यहाँ आई हूँ तब से रोज ये सब चल रहा है। काश तुम्हारी शादी मेरी उस बेवकूफ बहन से ना होकर मुझसे हुई होती। काश छोड़ो ना, तुम भी ना बस कहाँ उसका नाम लेके खामखा मूड खराब कर रही हो। राधा तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। ने मेरे पति पर, अरे चुड़ैल भी सात घर छोड़ के वार करती है, और तू तो मेरी बहन है, सगी बहन। मैं तुझे हर बात बताती रही और समझ ही नहीं पाई कि तू ही थी वो जिससे तुषार का अफेयर चल रहा है। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा तुषार? अरे तुमने तो सात जन्म निभाने का वचन दिया था मुझे, ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ, बोलो। राधा तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ हुआ ही नहीं है, गलत सोच रही हो तुम। कुछ नहीं हुआ है? अरे अब इससे साफ और क्या दिखेगा, मुझे अब और बेवकूफ नहीं बनना है। चल रहा है हमारा चक्कर, हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, समझ में आया तुझे? रिया छोड़ मुझे। राधा बुरा भला तो नहीं कह सकती, लेकिन आपने राधा के साथ जो भी किया है ठीक नहीं किया है, जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है। माँ आपको जो भी बात करनी है ना मुझसे बात करिए, तुषार से क्या बात कर रहे हैं? तेरे वजह से सब बर्बाद हो गया, तूने अपने बहन का घर उजाड़ने से पहले उसके बारे में सोचा तक नहीं। मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे अपने साथ ले चलो। गुस्से में कोई भी फैसला नहीं करते राधा, तू जानती है ना किस परिस्थितियों में मैंने तेरी शादी करवाई, और शादी तो सात जन्मों का बंधन होता है, ऐसे कोई अपना पति को छोड़कर चला जाता है। और ये रिया या तेरी जिंदगी में कभी दखल नहीं देगी, कभी नहीं। दामाद जी आपने जो गलती की है दोबारा मत कीजिएगा, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन ये इज्जत तब तक है जब तक आप हमारे दामाद हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप राधा से अच्छा बर्ताव रखेंगे और आगे ऐसे हरकत ना करें।
राधा बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। राधा मेरी बात तो सुनो, मैं इस रिया के भिकावे में आ गया था, मुझे माफ कर दो राधा, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा मैं, प्लीज मुझे माफ कर दो। खुश रहो। राधा राधा अब तो रोना बंद करो, हमें हम शर्मिंदा है अपने किए पे। राधा जो कुछ भी हुआ अब उसे वापस तो नहीं किया जा सकता ना, है ना? इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू अब रोती रहोगी। हाँ हम वादा करते हैं कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, कसम खा के बोलते हैं सच में कुछ नहीं होगा ऐसा। हेलो हेलो माँ, कैसे हैं आप? ठीक हूँ बेटा, ये सबको एक बुरा सपना समझ के भूल जा, अपना परिवार पर ध्यान दे। कोशिश कर रही हूँ माँ, मेरी छोटी बहन ने ये सब कर दिया, विश्वास ही नहीं होता है, जिसे मैंने इतना प्यार किया। बेटा ये सब भूल जा, जितना तू इसे याद रखेगी ना उतना तकलीफ तुझे ही पहुँचेगा। उसकी आवाज़ सुनने को कान तरस गया है माँ। कहाँ है रिया? ऑफिस गई है, कुछ दिन रुक जा, सब ठीक हो जाएगा, खून के रिश्ते ऐसे थोड़ी खत्म होते हैं। मुझे बुरा लगता है उसके लिए भी माँ, आखिर छोटी बहन है मेरी। समझ सकती हूँ, चल मैं रखती हूँ अभी, तू अपना ध्यान रखना। प्रणाम माँ। मैंने मना किया था ना तुझे, क्यों अपने बहन का घर उजाड़ने पे तुली हुई है? माँ प्लीज, मैं अभी ये सब सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। रिया बात करनी है, मैंने मना किया था। रिया बहुत नाटक हो गया तेरा, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। रिया रिया तू माँ बनने वाली है? हाँ मैं माँ बनने वाली हूँ, और आपके जानने के लिए बता दूं कि ये बच्चा तुषार का है, और मैं तुषार के साथ ही रहूंगी और ये बच्चा भी पैदा करूंगी। हमने सब कुछ सोच लिया है और सारा प्लान भी कर लिया है। रिया तुझे ये बच्चा गिराना होगा। रिया नहीं गिराऊंगी, तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया, हमें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ी। मुझे राधा को सब कुछ बताना होगा, पता फोन उठा बच्चा।
उठा, फोन नहीं उठा रही बेटा, फोन उठा, फोन। राधा हिम्मत रखो, राधा जाने वाले को कौन रोक सकता है, हिम्मत रखो। रात को माँ उठी थी और सीढ़ी से अचानक से उनका पैर फिसल गया, वो गिर गई और उसके बाद इस बैग के साथ। राधा रिया को मैंने आज लाया है, माँ के जाने के बाद बहुत अकेली हो गई थी, अब से रिया हमारे साथ ही रहेगी। दीदी आप खाना खा लो ना, अब जो होना था वो तो हो ही गया, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और कभी अरे छोड़ो ना उसको, उसका तो ऐसे ही नाटक चलता रहता है, तुम्हें मैं अपने हाथ से गिराता हूँ, ये लो। लगेगा। अरे रिया थोड़ी तो शर्म कर लो, अभी तुम्हारे माँ को मरे हुए टाइम ही कितना हुआ है, रुक जाओ तुम। मरी नहीं है मेरी माँ, मारा है मैंने उसे तुम्हारी वजह से, और अब जल्दी से इसका भी काम खत्म करो, मुझे शादी करनी है तुमसे। क्या बोल रही हो तुम, देखो थोड़ा टाइम दो, धीरे धीरे सब हो जाएगा, मैं कर लूंगा तुमसे शादी, फंस जाएंगे हम लोग। फंस तो तुम वैसे भी जाओगे क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम मेरे साथ चलो। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन सर, मैं विकास नगर के सेक्टर 4 से 4/50 से बोल रही हूँ, मेरी बहन ने मेरी माँ को मार दिया है सर, और अब मेरा पति और मेरी बहन मिलकर मुझे मार डालेंगे, आप जल्दी आ जाइए सर, प्लीज मुझे बचा लीजिए। ऐसे तो बेड पर जाते ही सो जाती थी, आज कैसे जागती रहेगी तू? मेरी माँ की जान ली है तूने, तुझे सजा दिलाए बगैर नींद कैसे आएगी? तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुनो
लाश को मैं जल्द से जल्द ठिकाने लगाऊंगा। देखो टिकट चेक करो। सर कुछ भी नहीं है गाड़ी में। आप सर इसमें लाश है। सर इस औरत की तो सांसें चल रही है, लगता है कि इसे इन दोनों ने ही मारने की कोशिश की थी। सर ये मेरी बहन है, इसने मेरे ही पति से अफेयर किया और जब मेरी माँ ने इसे रोका तो इसने उनकी जान ले ली और आज इसने मुझे भी जान से मारने की कोशिश की। तेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए तू बच गई। मैं और तुषार एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो सिर्फ मेरा है। ले चलो इन दोनों को। प्रेम जब नैतिकता की सीमा को लांघ जाता है तो फिर अपराध का रूप ले लेता है और अपराध कई जीवन बर्बाद कर देता है। रिया को उसके किए अपराध की सजा मिली, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। अपनों पर भरोसा करना अच्छी बात है लेकिन राधा की तरह आंखों पर पट्टी बांध कर भी नहीं रखना चाहिए। अपने आसपास के लोगों की मंशा को समझना चाहिए। कई बार अगर थोड़े जागरूक हो जाएं तो होने वाले अपराध से बचा जा सकता है। तो रहे खबरदार बने होशियार। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishaara.